नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है दुकान, शोरूम। आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है और ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी है और आपके यहाँ ग्राहक का आगमन तो बहुत है लेकिन ग्राहक खाली हाथ वापस ज़्यादा जाते हैं, यानी माल लेने वाले जो ग्राहक है वो कम होते हैं और वापस लौटने वाले ग्राहक ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि आप अपने यहाँ अपनी दुकान पर अपने शोरूम पर ग्राहक का आगमन भी अच्छा हो और ज़्यादातर ग्राहक आपके यहाँ से सामान लेकर जाए तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपनी दुकान के बाहर के भाग को चेक करें। आप अपनी दुकान के बाहर खड़े हो जाएं और अपनी दुकान को अपने शोरूम को बाहर से अंदर की ओर देखें। सबसे पहले आपने करना क्या है, आप अपनी दुकान के शटर को चेक करें, उसके ऊपर रंग क्या है। उसके बाद जो आपका एलिवेशन है, जो शटर के कॉलम है, जो ऊपर का फ्रंट का एरिया है, वहाँ पर रंग कौन सा है। जो आपका अपना नाम है, जो आपने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, जो होर्डिंग लगाई हुई है, उसके अंदर कलर कौन कौन से हैं। आप अपनी दुकान के शटर से बाहर के भाग को चेक करें। आपने अपने बाहर के भाग में स्टेप्स बनाए हुए, पौड़ी बनाई हुई है, सीढ़ी बनाई हुई है, उसके ऊपर जो पत्थर लगा है उसका रंग क्या है, या आपका जो अपना फुटपाथ है उसके फर्श का रंग क्या है, आप उसको चेक कीजिए। जिन दुकानों में ग्राहक के अंदर आने का सिस्टम है वहाँ पर हमेशा ही बाहर एक फुटमैट रखा जाता है, पायदान रखा जाता है और जितने भी शोरूम होते हैं उन सभी के बाहर भी पायदान रखा जाता है। आप उस पायदान को भी चेक करें, उसका रंग क्या है। आपकी दुकान के बाहर जितना ज़्यादा ग्रीन कलर होगा उतना ही आपके यहाँ बेनिफिट मिलेगा, आपके यहाँ ग्राहक का आगमन भी ज़्यादा होगा और आपके यहाँ से जो ग्राहक माल लेकर जाते हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी, खाली हाथ लौटने वाले ग्राहक कम होंगे। इसमें आपको करना क्या है, आपका जो फुटमैट है यदि उसमें कोई दूसरा कलर है तो आप अपने फुटमैट को ग्रीन कलर करें। इसी के साथ जो आपका फ्रंट का भाग है, जो एलिवेशन है, उसको भी आप ग्रीन कलर या लाइट ब्राउन कलर करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आपके यहाँ ग्राहक का आगमन ज़्यादा होगा। इसी के साथ जो आपका अपना शटर है उसके ऊपर भी आप ग्रीन कलर करते हैं या लाइट ब्राउन कलर का पेंट करते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ ग्राहक का आगमन भी ज़्यादा होगा और इसी के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी बढ़िया मिलेगा, आपको मार्जिन मिलेगा। जो ग्राहक आएगा, जो सामान लेकर जाएगा, वो ग्राहक आपसे संतुष्ट जरूर होगा। इसी के साथ जो आपकी अपनी ब्रांडिंग है, जो आपका नाम है, जो आपकी अपनी होर्डिंग है, उसके अंदर जो कलर होने चाहिए वो ग्रीन कलर, लाइट ब्राउन कलर, येलो कलर, ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर ही होने चाहिए। इसके अलावा आपके यहाँ कोई और रंग है तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ जो काम चल रहा है उसमें आपके यहाँ बरकत नहीं है, आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। जो बात मैंने आपको बताई है यदि आप इस तरीके से अपने यहाँ सेटअप कर लेते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही प्रॉफिट मिलता रहेगा। जो कलर मैंने आपको बताए हैं, इन कलर्स के अलावा यदि और कोई दूसरे कलर होते हैं तो आपकी दुकान में, आपके अपने शोरूम में वर्किंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे। मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी ये वीडियो हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति के ज़रूर काम आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिंक में, हर व्यक्ति के अपने सर्कल में, चाहे वो उसका अपना रिलेटिव है या फ्रेंड सर्कल में है, किसी न किसी की अपनी दुकान या शोरूम जरूर होता है। इसलिए मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।